आप सभी का चंचल किचन एंड ब्लॉग्स में स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मिष्टी दोई। अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। अब बनाने जा रहे हैं हम मिष्टी दोई। हमने अपनी गैस ऑन कर ली है और हमने ये फुल क्रीम दूध लिया है और हमने लिए एक कटोरी चीनी। बस इसे ज़्यादा चीज़ नहीं चाहिए इसमें बनाने के लिए। हम अपने दूध को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे जिसमें इसमें अच्छी तरह से बॉयल आ जाए। और जब भी आप मिष्टी दोई बनाते हैं तो आपको फुल क्रीमी दूध लेना चाहिए, इससे मिष्टी दोई बहुत अच्छी बनेगी। और मिष्टी दोई बंगाल की फेवरेट है, बंगाल में इसे बहुत पसंद किया जाता है। आप भी एक बार बना के ट्राई कीजिएगा और आपके बच्चों को परिवार को बहुत अच्छी लगेगी। सॉरी, मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई थी, इसके लिए मेन चीज है दही, जिसको हम दही को छन्नी में यू करके डाल देंगे जिससे इसका सारा जो एक्स्ट्रा पानी है दही का वो निकल जाए और हमारे पास गाढ़ा दही बन के तैयार हो जाए। हमारे दूध में बॉयल आ गया है, पर हम इसे और थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे, उसके बाद हम आगे का प्रोसेस चालू करेंगे जो हमें करना है। आप चाहें तो इस टाइम में थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं अगर आपको चीनी ज़्यादा पसंद है मीठा खाना। हमारा दूध काफ़ी अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है, अब इसको कर रहे हैं हम बंद। दूध को टार के मैंने साइड में रख दिया है और ढक्कन लगा दिया जिससे इसका टेम्परेचर कम ना हो। और हम अपनी चीनी को करेंगे यहाँ पर कैमराइज। इसके लिए मैं अपनी चीनी को पैन में डाल रही हूँ और गैस मैंने बिल्कुल धीमे कर रखी है और इसे चलाते हुए हमें कैमराइज करना है जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए। हमें एक मिनट हो चुका है पर आप देख सकते हैं कि अभी एक मिनट में कुछ भी नहीं हुआ है। इसे हमें इसे लगातार चलाते हुए ही पकाना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे, कर सकते हैं एक आध चम्मच, पर मैं चाहूँगी कि आप इस तरीके से ही बनाएं। थोड़ा टाइम लगेगा पर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आप देख सकते हैं चीनी कैमराइज होना चालू हो गई है। अब इस स्टेज पे आपको इसे बिल्कुल भी नहीं रोकना है, बस चलाते हुए ही पकाते जाना है। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो इसमें गांठे से पड़ने लग जाएंगी। देख सकते हैं चीनी कितनी जगह से घुलने लगी है, कैमराइज होने लगी है ये। अब इसे हमें चलाते हुए बिल्कुल एकदम जैसे गुड़ का कलर होता है ना, उस कलर में लेके आ जानी है। बस आपको चलाते रहना है इसे, ध्यान रख, क्योंकि इसमें आप रोक देंगे बनेगी नहीं। आप देख सकते हैं मेरी चीनी बहुत अच्छी तरह से कैमराइज हो चुकी है। अब मैं अपना इस पैन को उठा के इसका दूध का पतीला इसके ऊपर रख दूंगी जो मैंने जिसमें दूध गर्म किया है, और इसे धीरे धीरे करके मैं इसमें ऐड करती जाऊंगी। आपको इसमें जब तक इसे चलाते हुए पकाना है जब तक इस जो आपकी कैरमलाइज चीनी है वो इसमें अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए। इसको चलाते रहना है आपको, आपकी चीनी जब तक इसमें बिल्कुल अच्छी तरह से कैमराइज ना हो जाए जब तक आप इसे बंद ना कीजिएगा। आप देख सकते हैं दूध का कलर कितना अच्छा आया है। इसी तरीके का हमको कलर चाहिए था अपने मिष्टी दोई के लिए। हमारी चीनी सारी इसमें जो हमने कैमराइज की थी वो हो चुकी है। अब इसको हम कर देंगे बंद और दूध को लेके आ जाएंगे रूम टेम्परेचर पे, जिस इस स्टेज में हम दही जमाते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। हमने ये इस तरीके से कप लिए हैं मिष्टी दोई बनाने के लिए। मैंने ये दो कप लिए हैं और एक ये अलग बर्तन लिया है जिसमें मैं बाकी का जमाऊंगी मिष्टी दोई बनाने के लिए। हमारा दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया है।
दूध भी हमारा काफ़ी, दही भी हमारा, सॉरी दही भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। मैं इसमें एक एक चम्मच भर के दही डालूंगी। और उसके बाद मैं अपना ये जो दूध हमने बनाया है इसे इसमें मिक्स कर दूंगी। हमने इसे डाल दिया है, अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और इसे हम इस तरीके से फॉइल पेपर से कवर कर देंगे और इसे 6-7 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे। इस टाइम गर्मी है तो ये 6-7 घंटे में सही तरह जम जाएगा, और अगर सर्दी होती तो इसे 12 घंटे लग जाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे सर्दी से कवर कर दिया। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से कवर कर देती हूँ। मैंने अपने दोनों कवर कर दिए। अब मैं इसे 6 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर उसके बाद आपको दिखाती हूँ जब ये बनके तैयार हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारी मिष्टी दोई जम चुकी है। इसे 6 घंटे लगे थे जमने में और दोनों कप जब जम चुके हैं हमारे। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ खोल के, काट के थोड़ी सी। आप देख सकते हैं ये कितनी सही तरीके से जम गई है, और ये सिर्फ खाने में बहुत टेस्टी लगती है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मेरे कमेंट करके लिख के बताइएगा ये कैसी बनी है। धन्यवाद।